घर से लेट निकली थी तो लग रहा था मूवी के लिए लेट हो गई हूँ, बट टाइम पे पहुंच गई थी। मैं पहुंच गई थी पीवीआर, अंदर से कुछ ऐसा एम्बियंस था। अपना टिकट दिखाकर फटाफट पहुंच गई थिएटर की तरफ। थिएटर खाली था क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं मूवी देखने गई थी, बट ओवरऑल अच्छा था अंदर से एम्बियंस। मेरी मूवी स्टार्ट हुई थी रॉकी एंड रानी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा आपको मॉरल वैल्यूज़ मिलेंगी देखने को, लाइक फेमिनिज्म, रेसिज्म, जेंडर इक्वालिटी, सब कुछ इसमें दिखाया हुआ। मूवी के हर पार्ट में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये मूवी सच में बॉलीवुड स्टाइल में बनाई गई, बहुत ही ज्यादा गजब मूवी है। फिर मैं कुछ खाने के लिए बाहर आ गई थी और मैंने देखा आजकल तो यहाँ पे मूवी थिएटर्स में मोमोज तक मिलने लगे, लाइक आप कुछ भी ले सकते हो। बैक टू दी मूवी पार्ट, इस मूवी में दो फैमिलीज के डिफरेंसेस दिखा रखे। एक फैमिली जो बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन एंड कंजर्वेटिव टाइप है, दूसरी बहुत ओपन माइंडेड एंड लिबरल टाइप है, उन्हीं के डिफरेंसेस दिखा रखे। लेकिन इस मूवी में सॉन्ग्स का कलेक्शन जो है बहुत अमेजिंग है। सारे ओल्ड सॉन्ग्स मतलब इस मूवी में भर दिए करण जौहर ने, मुझे बहुत गजब लगी। मुझे ऐसा लगा मेरा डिसीजन ये बेस्ट था मूवी देखने का। आप लोगों को मेरे रिएक्शन देखकर पता ही चल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे नेक्स्ट मूवी कौन सी देखनी चाहिए।